वंदे मातरम, बहुत स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 पर। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। पूर्वांचल लाइव की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको दें, मिट्टी बचाओ आंदोलन पर कार्यक्रम हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे, साथ ही सरकार के मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। आज शाम 6 बजे मिट्टी बचाओ आंदोलन की कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है और इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी संबोधित भी करेंगे, वो शामिल भी रहेंगे। तमाम मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, लखनऊ में मिट्टी बचाओ आंदोलन पर कार्यक्रम होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कार्यक्रम में शामिल होंगे और वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे और सरकार के मंत्री भी कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। आज शाम 6 बजे मिट्टी बचाओ आंदोलन कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहेंगे और वो कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम को संबोधित करेंगे तो सरकार के कई मंत्री भी इस कार्यक्रम के दौरान शामिल नजर आएंगे। आपको बताएं कि आज लखनऊ में मिट्टी बचाओ आंदोलन पर कार्यक्रम होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल नजर आएंगे। वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए सभी तमाम लोगों को संबोधित करेंगे और सरकार के कई और मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। वक्त 6 बजे का है जब मिट्टी बचाओ आंदोलन पर कार्यक्रम होगा। आरएसएस दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को तमिलनाडु में पकड़ लिया गया है। तमिलनाडु के पुदुकोची का राज मोहम्मद अब पुलिस की हिरासत में है। आपको बताते चले कि राज मोहम्मद ने आरएसएस के दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी दी थी और 6 जगहों पर ब्लास्ट करने की बात कही थी, जिसके बाद से पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई थी और आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। फतेहपुर से बड़ी जानकारी आपको दें, गंगा नदी में डूबने से 4 लोगों की मौत हुई है। गंगा स्नान करने गए 7 लोग नदी में डूबे हैं। 4 मृतकों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं और 2 पुरुष शामिल हैं। गोताखोरों ने 3 लोगों को मौके से बचा लिया है। शादी में शामिल होने के लिए सभी 7 लोग गए हुए थे। मौत के बाद गाँव में कोहराम मचा हुआ है, मातम पसरा हुआ है। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के मातनपुर का ये पूरा मामला है। तो शादी में शामिल होने के लिए 7 लोग पहुंचे थे, जिनमें से मौत के बाद आपको बताएं गांव में मातम पसरा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है। फतेहपुर में गंगा नदी में 4 लोगों की डूबने से मौत हुई है। गंगा स्नान करने गए 7 लोग डूबे, जिनमें से 2 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं, यानी 4 लोगों की मौत हुई है। गंगा स्नान करने गए 7 लोग नदी में डूबे हैं। 4 मृतकों में 2 महिलाएं और जबकि 2 पुरुष शामिल हैं। गोताखोरों ने 3 लोगों को बचा लिया है। तो शादी में शामिल होने के लिए सभी 7 लोग गए थे, जहां गंगा स्नान के वक्त 7 लोग गंगा नदी में डूबे, 7 में से 4 लोगों की मौत हो चुकी है बल्कि 3 लोग बचाए गए हैं। तो यूपी के फतेहपुर में शादी समारोह में शामिल होने के लिए 7 लोग गए थे, जहां गंगा स्नान करते हुए 7 लोग डूब गए, जिनमें से 4 की मौत हो गई है डूबने से। 3 लोगों को गोताखोरों की मदद से, ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाल लिया गया है। भाई मस्जिद में लाल में 3 लड़कियाँ डूब गई, तब मैं भागा वहाँ से, मसाला भी नहीं लिया मैं तो भागा मैं वहाँ से। वहाँ से भागा तो देखा गया मेरी लड़की गंगा की, एक लड़का एक लड़की हमारी लड़की एक लड़का और जी वो किनारे पड़े थे, जब मैं देखा जी तो मैंने इसको दबा दबा के पानी निकाला। फिर इसको ब्लड उल्टी गया, ब्लड की उल्टी हुई जी। फिर मैं 4-5 लोगों की मदद से पलंग मंगवाया गाँव से,
अच्छा, क्या कोई प्रोग्राम था क्या घर में? जी? कोई शादी वादी थी क्या? जी। किस गांव गए थे ये लोग? मासिमपुर। अच्छा, कौन थाना लगता है ये? जी। कौन सा थाना लगता है? हुसैन। अच्छा, तो क्या कुछ लोग मरे भी हैं क्या? जी। कितने लोग? पाँच छः लोग। चार लोग। और हमारे सहयोगी दीपक डालमिया हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दीपक, पूरी जानकारी क्या है, किस वक्त यह हादसा हुआ, क्या शिनाख्त हो पाई है मृतकों की, और जो घायल थे जिनको बाहर निकाला गया, क्या उनकी स्थिति अभी बनी हुई है? जी, मैं बता दूं, ये फतेहपुर का मामला है जहाँ पर ये छह से सात लोग गए थे गंगा स्नान करने। ये लोग सभी शादी समारोह में आए थे, जहाँ पे ये लोग आज करीब दिन के 10 से 11 के बीच में गंगा स्नान करने गए थे। जो बताया जा रहा पुलिस और प्रशासन के तरफ से बताया गया कि ये सभी कुछ छह महिला थी और दो लड़के थे, जिसमें फिलहाल जो गोताखोरों ने चार लाशों को बाहर निकाल ली, जिसमें दो महिला थी और दो पुरुष थे। बाकी जो लेडीज थी गोताखोरों ने सकुशल उनको निकाल लिया। जो बाकी जो घायल है, जो जिनकी हालत नाजुक बनी है, उनको फिलहाल फतेहपुरी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मनीषा, दीपक, ये कारण क्या माना जाए इस हादसे का, डूबने का? क्या वहां पर जो नदी थी गंगा स्नान के वक्त, उस नदी के पास कोई बैरिकेडिंग नहीं थी, किस तरह का कोई चिन्ह नहीं था कि खतरे के निशान से उस पार जाना मना है? यानी कि अव्यवस्थाओं का यहां पर जो नजारा है वो देखने को मिला, अव्यवस्था ही इसका बड़ा कारण रहा? मनीषा, मैं आपको बता दूं, ये गंगा स्नान आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये गंगा नदी है, पूरी तरह से ओपन है। ये लोग यहाँ पे शादी समारोह, तो ये लोग मौज मस्ती करने गए थे वहाँ पे, जो पुलिस प्रशासन बता रही है, मौज मस्ती करने गए थे। और पानी ज्यादा डीप होने की वजह से ये जो घूमने आए थे, जो शादी में समारोह में आए थे, वो ज्यादा डीप होने की वजह से पानी गंगा नदी में ये लोग डूब गए थे। मैं आपको बता दूं, जो आसपास के लोग थे और जो राहगीर लोग थे, उन्होंने देखा इन बच्चियों को डूबते हुए। उसके बाद इन सभी को लोकल गांव के जो पुलिस प्रशासन की तरफ से इनको रेस्क्यू किया गया। और बता दूं, जिस तरह से ये मामला सामने आया, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पे और जो इलाके के लोग हैं, हाँ, उन पे सवाल इंसान उठने लगे हैं कि जिस बाकायदा जिस तरह से लोग वहाँ पे नहाते हैं, जो पुलिस प्रशासन ने बड़े बड़े बोर्डिंग बोर्ड लगा रखे हैं कि आगे ना जाए सब, उसके बावजूद भी जो लोग हैं, बच्चे लोग हैं, गंगा स्नान करने जाते हैं और आगे तक चले जाते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक अव्यवस्था भी है जिस कारण ये बड़ा हादसा हुआ। दीपक, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी और अपडेट के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर से बड़ी खबर आपको बताएं, बाजार बंद का पोस्टर छापने वाला गिरफ्तार हुआ है। रोमा ग्राफिक्स से छपवाए गए थे बाजार बंद के पोस्टर, शंकर लाल रहमानी ने 20 पोस्टर छापने की बात कबूली है। पुलिस ने रोमा ग्राफिक्स के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने रोमा ग्राफिक्स प्रिंटर के मालिक को आरोपी बनाया है। कानपुर में बाजार बंद के पोस्टर से भड़की थी हिंसा, तो कानपुर में जो हिंसा हुई वो बाजार बंद के पोस्टर से भड़की थी और इस पूरे मामले में रोमा प्रिंटर्स के मालिक को आरोपी बनाया गया है, गिरफ्तार किया गया है। 20 पोस्टर छपवाने की बात भी प्रिंटर की तरफ से कही गई है। रोमा ग्राफिक्स के मालिक गिरफ्तार किए गए हैं और उन्होंने अपनी बातों को भी कबूला है, 20 पोस्टर उन्होंने छपवाए थे, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। जफर हयात ने कितने पोस्टर छपे? 20 ओनली। 20 पोस्टर, 200 रुपए का बस। 200 रुपए मिले थे जिसके बस। 200 रुपए मिले थे। कुल 20 ही छापे थे। टोटल 20 छापे थे। मोहित हमारे सहयोगी हमारे साथ कानपुर से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मोहित, रोमा ग्राफिक्स प्रिंटर के मालिक को आरोपी बनाया गया है, अभी ताजा जानकारी क्या है? क्योंकि कानपुर में भारी संख्या में जो हिंसा थी वो भड़की थी पोस्टर्स के बाद। तो 20 पोस्टर वहां पे छापे गए थे। ये शंकर लाल रहमानी को पुलिस ने देर रात गिरफ्तार किया था, लेकिन पुलिस की हिरासत में ये हम लोगों ने जब बयान लिया तो उन्होंने खुद इस बात को कबूल किया है कि हमें 20 पोस्टर थे वो उन्होंने छपवाए थे। उन्होंने ये भी बताया कि हयात जफर हाशमी ने ये पोस्टर छपवाए थे, इसके बाद में ये सैंपल के तौर पे हमसे ले गए थे। बाजार बंदी के दौरान ये पोस्टर जो चपकाए गए थे वो रोमा ग्राफिक्स के
शॉप से बनवाए गए थे। हाँ। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने इनको भी आरोपी बनाया है। पुलिस किसी भी तरीके से किसी को भी बख्शना नहीं चाह रही। जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, एटीएस की टीमें लगी हुई हैं और कानपुर में जो जितना भी आला अमला है सारे लोग गिरफ्तारियों में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं शंकर लाल ने इस बात को कबूल किया है कि हमने 20 पोस्टर जो है वो सैंपल के तौर पर किसके कहने पर छापे थे, क्या उन लोगों के नाम भी लिए गए हैं? अभी फिलहाल जब शंकर लाल से इस बात को कबूलवाया गया, हम लोगों ने इससे बात की तो सिर्फ जफर हाशमी का नाम सामने आया है कि हमने सिर्फ जफर हाशमी के कहने पर 20 पोस्टर छापे थे। उसको लेकर के 200 रुपए मात्र इनको दिए गए थे, 200 रुपए इनको जो दिए गए थे उसके बाद इन्होंने पोस्टर वो, अभी इनका कहना ये है कि आरोपी जो है उन्होंने ये बताया कि हमने 20 पोस्टर मात्र छापे हुए थे सैंपल के तौर पर और इन्होंने पोस्टर कहा आगे जिस तरीके से कार्रवाई होगी पूछताछ की उसमें बहुत सारी बातें और परतें खुलेंगी। मोहित आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। कानपुर से एक और बड़ी जानकारी आपको दे, एसटीएफ को बड़ी सफलता हासिल हुई है। एसटीएफ ने 3 तस्करों को मौके से गिरफ्तार किया है। तस्करों से चरस की बड़ी खेप बरामद हुई है। 1 करोड़ जो बरामद चरस है उसकी कीमत आंकी जा रही है, बताई जा रही है। नेपाल से लाकर भारत में सप्लाई किया करते थे। तस्करों से 1680 भारतीय रुपए भी बरामद हुए हैं, यानी 1680 भारतीय रुपए भी बरामद किए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, एसटीएफ के हाथ बड़ी सफलता लगी है। एसटीएफ ने 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और तस्करों से चरस की बड़ी खेप बरामद हुई है। 1 करोड़ की कीमत की ये जो चरस है वो बताई जा रही है। नेपाल से भारत में लाकर सप्लाई किया करते थे। तस्करों से 1680 भारतीय रुपए भी बरामद हुए हैं। तीनों ने संयुक्त रूप से लिंक करके 3 लोगों को दबोच लिया, जिसमें एक ये रहने वाले तीनों बिहार के हैं। रक्सौल एक जगह है, एकदम बॉर्डर की जगह है, बिहार नेपाल का बॉर्डर, वहाँ के रहने वाले हैं ये लोग। दबोचे गए इन तीनों के कब्जे से लगभग 19 केजी चरस बरामद। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहित कश्यप लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मोहित, एसटीएफ ने 3 तस्करों को मौके से गिरफ्तार किया है, क्या कुछ बरामद की हुई है और क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? और एसटीएफ ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसकी कीमत जो चरस के साथ 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ लागत बताई जा रही है। ये नेपाल से लेकर के भारत में इसकी सप्लाई की जाती थी। वहीं अभी हाल ही में एसपी आउटर जो तेज स्वरूप सिंह है वो अभी यहाँ पर इनकी पोस्टिंग हुई, इन्होंने अपनी टीमों को अलर्ट मोड पर रखा था और सोमवार की देर रात बड़ी मात्रा में चरस आने की सूचना इनको मिली थी। करीब इन्होंने शाम 6 बजे सीओ सदर थाना महाराजगंज और थाना महाराजपुर और एसटीएफ की टीम के साथ नेटवर्क का इस्तेमाल किया और महाराज स्थित एमजी कॉलेज के पास से प्रयागराज नेशनल हाईवे पर भारी मात्रा में जो चरस थी वो इन्होंने बरामद की। इसमें 3 युवक जो दबोते गए उनके पास से 1680 रुपए भारी भारतीय मुद्रा प्राप्त हुई है और 2050 नेपाली मुद्रा भी बरामद हुई है। 3 मोबाइल इन लोगों के पास से बरामद किए गए। सारे अभियुक्त जो रहने वाले हैं ये संतोष पटेल निवासी, सारे लोग ये मोतिहारी बिहार के रहने वाले हैं। तो पुलिस ने ये बताया कि 18 किलो 491 ग्राम चरस बरामद की गई है और लोग चरस से लेकर के फिरोजपुर में। ठीक मोहित, अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी और अपडेट के लिए। अब कुशीनगर से आपको अगली खबर बताया, जहां पर सराफा व्यापारी की गला रेत कर हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया गया और आरोपी डेड बॉडी को दुकान में छोड़कर मौके से फरार हो गए। सुबह जब दुकान खोली गई तब घटना का खुलासा हुआ और हत्या की इस वारदात से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बताया दरअसल ये भी जा रहा है कि हत्या फाजल नगर विधायक के आवास से महज कुछ ही दूर पर हुई। जानकारी के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिएगा नेटवर्क टेन। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं बुलेटिन में कुछ और खबरों की तरफ। सियासी मैदान में भले ही समाजवादी पार्टी बाजी ना मार पाई हो, लेकिन खेल के मैदान में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को शिकस्त का सामना करने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के विधायकों के बीच हुए क्रिकेट मैच में सपा के MLAs ने बीजेपी विधायकों को 7 विकेट से शिकस्त दी है।
तो खेल के मैदान में समाजवादी पार्टी ने बाजी मारी है, बीजेपी के क्रिकेट मैच में बीजेपी को हराया है, विधायकों को हराया। उन्नाव से अब अगली खबर आपको बताएं, जहां पर देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 6 कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। लखनऊ के मडियाव थाने में इस मामले में एफआईआर दर्ज भी हुई है। आपको बताते चल कि सुल्तानपुर के एक डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर को मोबाइल पर मैसेज कर लखनऊ के अलीगंज, गोंडा के नवाबगंज समेत कर्नाटक में भी 4 जगहों पर मौजूद आरएसएस कार्यालय को उड़ाने की धमकी दी गई है। वहीं दूसरी ओर एहतियात के तौर पर उन्नाव पुलिस भी पूरी तरीके से सतर्क हो चुकी है, अलर्ट हो चुकी है। उन्नाव मुख्यालय में मौजूद आरएसएस कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। एक मैसेज चल रहा था, लेकिन जब उसके विषय में छानबीन की गई तो उन्नाव के नवाबगंज में आरएसएस का कोई कार्यालय नहीं है और वो यहाँ का प्रकरण नहीं है। जौनपुर में वाराणसी रेंज के आईजी सत्य नारायण ने पुलिस कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान परिसर की साफ सफाई, प्रधान लिपिक शाखा, आंकी शाखा और अन्य कार्यालय में अभिलेखों के रखरखाव की जांच की गई। इसी दौरान आईजी ने अभिलेखों के रखरखाव की तारीफ भी की और साथ ही पुराने पत्रावलियों को रखने और उनको स्कैन कर हार्ड डिस्क में सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए। और वही निरीक्षण के दौरान अजय साहनी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर, अपर पुलिस अधीक्षक नगर, ग्रामीण क्षेत्राधिकारी नगर और अन्य अधिकारी समेत कर्मचारी भी मौजूद रहे। अधीक्षक जौनपुर के कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण के लिए आया हूँ और जो प्रधान लिपिक शाखा और आंकिक शाखा और जो अन्य शाखाएँ हैं जो सभी का निरीक्षण कर रहा हूँ। अभी जो है सभी शाखाओं का एक बार भ्रमण किया और वहाँ का अभिलेखों का रखरखाव मैंने देखा और पुराने अभिलेखों का जो है नष्ट करने का जो कार्रवाई क्या हुआ उसका चेक किया। तो इस कार्यालय का जो है बहुत अच्छा तरीका से मेंटेन कर रहे हैं, खासकर मैंने प्रधान लिपिक शाखा में एक नया तरीका से जो रिकॉर्ड्स का रखने का वो तरीका मैंने देखा, जो पुराना अभिलेखों का रखने का उन्होंने एक अलग रजिस्टर भी बनाया था, तो ये बहुत अच्छा कार्रवाई हो रहा है। जौनपुर से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर महाराजगंज थाना स्थानीय बाजार में एक वक्रांगी संचालक के साथ 3 नकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल तीनों बदमाश बंदूक की नोक पर 20,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। वहीं जानकारी मिलने पर थाना अध्यक्ष संतोष कुमार शुक्ला सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल में जुट गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आज थाना महाराजगंज क्षेत्र अंतर्गत महाराजगंज कस्बे में स्थित वक्रांगी केंद्र के संचालक द्वारा यह सूचना दी गई कि उनके केंद्र से 20,000 रुपए की छिनैती 3 अज्ञात युवकों द्वारा कर ली गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा पहुंचकर छानबीन की गई तो ज्ञात हुआ कि घटना से कुछ देर पहले एक युवक वक्रांगी केंद्र पर कुछ लेन देन करने आया था और लेन देन करने के उपरांत 1 घंटे तक बिना कारण वक्रांगी केंद्र पर ही बैठा रहा और उसके जाने के कुछ देर बाद उसी के वाहन से 3 अज्ञात युवक वक्रांगी केंद्र पर आए और छिनैती की घटना को कारित किया। अब सोनभद्र से इसी बीच अगली खबर आपको बताएं, जहां पर निजी अस्पताल में गुड्डी यादव के मौत के मामले में सीएमओ ने अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी है और इस जांच में अस्पताल प्रशासन को दोषी बनाया गया है। दरअसल रिपोर्ट के अनुसार इलाज के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही के चलते ही गुड्डी यादव की मौत हुई है। आपको बता दो चले कि घटना के बाद जिलाधिकारी यानी डीएम ने 3 सदस्यीय टीम का गठन किया और जांच करवाई थी। आपको बताएं कि रॉबर्ट्सगंज नगर में स्थित पंचशील मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान महिला की मौत हुई थी। तो हम और संयुक्त टीम डॉक्टर राम कुमार और हमारे द्वारा जांच टीम पंचशील हॉस्पिटल से किया गया, जिससे मौके पर वहाँ के डायरेक्टर पवित महोदय और डॉक्टर अनुपमा सिंह मिली और उनका बयान दिया गया जो है ये किशन मिट्ट का जो उन्होंने 24 तारीख को एडमिट किया था, 25 तारीख को ऑपरेशन किया, 26 तारीख को उन्होंने डिस्चार्ज किया, उस पेशेंट के बारे में जानकारी ली गई और उसमें इन्होंने लिखित बयान दिया हुआ डॉक्टर अनुपमा मौर्य ने, ये ऑपरेशन मेरे द्वारा किया गया और ये डॉक्टर बेहोशी के जो डॉक्टर अखिलेश द्वारा दिया गया।
अमेठी में एक शादी समारोह में डीजे बजाने को लेकर बारातियों में आपस में विवाद खड़ा हुआ, जिसको शांत कराने गए युवक को बारातियों ने जमकर पीट दिया और इस मारपीट के दौरान युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए परिवार ने अपने निजी साधन से रायबरेली के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान घायल युवक की मौत हो गई। वहीं पीड़ित के परिजनों ने इसकी तहरीर थाने में देकर आरोपी बारातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। आपको बताएं कि पूरा मामला जायस के पूरे लोधन मचरे बहादुरपुर गांव का बताया जा रहा है। इनका मामला कोई नहीं था। हाँ। एक गांव के बगल के दो चार लौंडे थे। हाँ। वो लड़ाई के उत्साह दिए। किस बात को लेकर उत्साह? जो डीजे नाच रहे ना, फोक्स उड़ा रहे थे। अच्छा। उसी के लिए। तो फिर कौन लोग मारे उनको? तो उसके बराती वाले चिल्ला रहे थे। हाँ। बराती तरह को समझाने गए। अच्छा। तो उसमें लपटियोजा हो गया, तो उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद समाप्त हो गया। हाँ। समाप्त होने के बाद फिर मैं सब चला गया, इधर उधर हो गया। फिर तो ये जीजा में जा रहे थे लेटरिन के बाथरूम करने। हाँ। बाथरूम करके तो उधर से आए चैला वैला लेके वही तो बराती हो हलवाई हो। तो बराती जो बारात आई थी हलवाई जो था ना, उनके गांव का था बारात जिधर से आई। अच्छा। वो भी आया था साथ में। वो बराती में था वो लड़का जिसने मारा है। हाँ। साहब वही डीजे बाजत रहा हूँ, नाचत गावत रहे सब। हाँ। और ये गए पता नहीं कसक साहब उनका मारिन साहब। कौन लोग? बराती हो? बराती जी। अच्छा। तो घर के लौंडे गए छोड़ा हुए उन्हों मारे गए साहब। अच्छा। वो बरातियों ने मारा? हाँ जी। तो उनकी चोट कहाँ लगी थी? खोपड़ी में जी। तो उसको लेकर कहाँ? रायबरेली। रायबरेली ले गए? हाँ जी। क्या बताया जा रहा? रायबरेली में साहब अब देखो अब कहाँ बताओ चीज साहब वो आप देख रही है। थाने में इसकी सूचना दी? हाँ जी थाने में सूचना दी। हमीरपुर में हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि बेटे ने मां पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसमें महिला की मौत हो गई है। यहां तक ये भी कहा जा रहा है कि बेटे ने दर्जनों बार मां के शरीर पर वार किया। ये हत्या जमीन के लालच में की गई है। फिलहाल हत्यारा बेटा फरार बताया जा रहा है और पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। आपको बताएं कि पूरा मामला जरिया के इटालिया बाजा गाँव का बताया जा रहा है। जरिया बाजा गांव की है, जो कि थाना जरिया के अंतर्गत आता है। इसमें श्रीमती कुसुम साहू उम्र करीब 50 वर्ष अपने पुत्र के साथ रहती थी। इनके पति और इनके दो पुत्र और हैं, वो दिल्ली में रहते थे। इनका जो बीच का पुत्र है जिसका नाम मदन है, वो सुबह 8:30 बजे करीब डिमांड कर रहा था कि इनके नाम जो राठ में प्लॉट है उसको बेच करके इनके नाम कर दें या पैसे दे दें। इस पर यह तैयार नहीं हुई और इनके द्वारा विरोध किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर इनके पुत्र ने जो है कुल्हाड़ी से वार करके इनकी हत्या कर दी है। मौके पर जो है संबंधित थाने के पुलिस क्षेत्राधिकारी और मैं पहुँच गया हूँ। इसमें जो है फील्ड यूनिट भी पहुँच गई है, FIR हो गई है, सबको कब्जे में लेकर के पंचनामा भरा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।